गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड लेसन फर्स्ट ऑफ हनीकॉम्ब। यू वर गिवन सम क्वेश्चंस टू सॉल्व फ्रॉम द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। राजा ने और सन्यासी ने घायल व्यक्ति की सहायता कैसे की। द आंसर इज द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड हिज क्लोथ्स। राजा और सन्यासी ने उस घायल व्यक्ति के कपड़े उतारे। द किंग वॉश्ड हिज वाउंड। राजा ने उसके घाव को साफ किया। एंड ड्रेस्ड इट और इसके ऊपर पट्टी बांधी। देन दे कैरिड हिम इनटू द हट और फिर वो उसको अपनी हट में ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वॉज द बियर्डेड मैन। दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। आंसर इज द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग। दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का एक शत्रु था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। उसने राजा से माफी क्यों मांगी। ही सेड दैट उसने कहा कि ही वॉज द किंग्स एनिमी कि वह राजा का शत्रु था। एंड वॉन्टेड टू किल हिम और उसको मारना चाहता था राजा को। बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ पर राजा ने उसका जीवन बचा लिया। बाय टेकिंग केयर ऑफ हिम उसकी देखभाल करके। सो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस इसलिए उसने राजा से माफी मांगी। क्वेश्चन नंबर फोर, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन। राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस और अपनी फॉरगिवनेस दिखाने के लिए उसने क्या किया, राजा ने क्या किया। द आंसर इज द किंग सेड दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम कि वह राजा ने कहा कि वह अपने नौकर को और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। ही ऑल्सो प्रोमिस टू गिव बैक द बियर्डेड मैन हिज प्रॉपर्टी और उसने ये भी उससे वादा किया घायल व्यक्ति से कि वो उसकी प्रॉपर्टी को वापस लौटा देगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चंस। राइट ईच आंसर सेपरेटली। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। सन्यासी के तीन आंसर जो उसने दिए तीनों क्वेश्चंस के वो क्या थे। प्रत्येक आंसर को आपने अलग से लिखना है। Which answer do you like most and why? कौन सा आंसर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों आया। The answer is the three answers were as follows. Answer first, the most important time to do a right thing is now. यानी कि किसी भी चीज को किसी भी काम को करने का सबसे important time है now, यानी कि अब सबसे महत्वपूर्ण समय अब का समय है। इस टाइम का समय है बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव क्योंकि हमारे पास यही समय है। वी हैव एनी पावर टू एक्ट जिसमें हमारे पास कोई काम करने की पावर है। सन्यासी का तीसरा आंसर ये था द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन सबसे जरूरी आदमी वो आदमी है। वी आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जो उस खास समय में उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारे साथ है वो व्यक्ति हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तीसरे क्वेश्चन के आंसर में सन्यासी कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो करने के लिए उस व्यक्ति का भला करना उस व्यक्ति का अच्छा करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है या मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है। The last part of question number fifth was which answer do you like most and why? कि कौन सा आंसर आपको तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों आया। I like the third answer the best यानी कि मुझे तीसरा आंसर सबसे अच्छा लगा। It is so यह इसलिए because God has sent us on this earth क्योंकि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है
टू डू गुड टू ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए या जीवित प्राणियों के प्रति हम अच्छा करें, इसलिए हमें धरती पर भगवान ने भेजा है। वी आर ऑल द क्रिएशन ऑफ दैट गॉड, और हम सब उसी भगवान की रचना है। इफ वी लव ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वी लव गॉड, तो हम भगवान से प्यार करते हैं। इफ वी डू गुड टू अदर्स, अगर हम दूसरों का भला करते हैं, अच्छा करते हैं, वी डू गुड टू गॉड, तो हम भगवान का भला करते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, वी हैव डन ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस इन दिस लेसन। नाउ यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन अ फेयर नोटबुक। यू हैव टू प्रिपेयर अ फेयर नोटबुक फॉर इंग्लिश। यू विल नोट डू द होमवर्क ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन वन नोटबुक। यू हैव टू टेक अ सेपरेट नोटबुक एंड प्रिपेयर योर नोटबुक फ्रॉम फर्स्ट लेसन। यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स फेयरली। योर नोटबुक विल बी चेक्ड आफ्टर द स्कूल रीओपन, सो प्रिपेयर योर नोटबुक ब्यूटिफुली एंड टाइमली। टुमोरो वी विल रीड द पोएम स्क्विरल फ्रॉम हनी कॉम। थैंक यू।